भाइयों बहनों, एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने मैं आपको बताना चाहता हूं। 2015-16 में आपने गेहूं की फसल को देखा होगा, तब तक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1460 रुपए तक मिल पाता था और उसके लिए क्रय की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। गेहूं उत्पादन किसान ने कर लिया, लेकिन अब उसको खरीदेगा कौन? कहां ये न्यूनतम समर्थन मूल्य उसे प्राप्त होगा? सरकार क्रय केंद्र नहीं चलाती थी, आढ़तियों के माध्यम से उनकी घुसपैठ करवा करके किसानों का शोषण होता था। बामुश्किल किसान को 900 से 1000 रुपया मिल पाता था, लेकिन विगत वर्ष हमारी सरकार आई और जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तो हम लोगों ने 2017 से जब कार्यक्रम अपना प्रारंभ किया, पहले वर्ष हम लोगों ने किसानों से 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। दूसरे वर्ष हम लोगों ने किसानों से 52 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया और इस वर्ष अभी हमारा यह क्रम लगातार चल रहा है और हमारा प्रयास है कि किसानों से हम गेहूं का क्रय सीधे करेंगे और RTGS से उसके अकाउंट में पैसा देंगे। एक क्विंटल गेहूं का दाम जो 2 वर्ष पहले तक किसान को 900 से 1000 रुपये भी नहीं मिल पाता था, आज 1860 रुपये हमारी सरकार उस किसान को सीधे उसके अकाउंट में देने का कार्य कर रही है। यानी 2 वर्ष में एक क्विंटल गेहूं का उत्पादन करने में एक किसान को 900 रुपये के आसपास खर्चा जाता है। हमने कहा था लागत का 1.5 गुना दाम, यहां पर हम लागत का 2 गुना दाम किसान को देने की स्थिति में आ चुके हैं और यही हमने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी प्रदेश के अंदर तय की है। ऐसे ही धान में भी हम लोगों ने किया, ऐसे ही प्रदेश में हम लोगों ने पहली बार आलू का समर्थन मूल्य घोषित करने के साथ साथ उसमें एक्सपोर्ट सब्सिडी देने की व्यवस्था भी किसानों को दी। दलहन तिलहन के लिए यही व्यवस्था प्रदेश में पहली बार लागू की और गन्ना किसानों का तो 5-5 वर्षों का 2017 में जब हम लोग आए थे उनका बकाया चीनी मिलों पर था, वे भुगतान नहीं हो पाता था। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। आजादी के बाद कभी भी इतना गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को कभी नहीं हो पाया है।